हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब के टेक्निकल बी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे और ट्रांसफार्मर जो टेस्ट करते हैं, नो लोड टेस्ट करते हैं, उसमें जो करंट आता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना परसेंट करंट लिमिट होता है और कितने केवीए के बाद कितना परसेंट लिमिट रहता है, और ट्रांसफार्मर जो फ्लश डेंसिटी होता है वो फ्लश डेंसिटी कैसे, उसकी क्या वैल्यू होती है, फ्लश डेंसिटी कितना आना चाहिए, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग टेम्परेचर होता है, आयल टेम्परेचर होता है, इसके भी रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, अब हम सबसे पहले बताते हैं फ्लश डेंसिटी। फ्लश डेंसिटी क्या होता है, हिंदी में बताते हैं, किसी स्थान पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली प्रेरण रेखाओं की मात्रा को उस स्थान पर चुंबकीय प्रेरण का घनत्व कहते हैं। फ्लश डेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फाई इजगल टू बी इंटू ए, बी जो होता है वो फ्लश डेंसिटी होगा, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसका मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला बोल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें जो ट्रांसफार्मर का डिजाइन किया जाता है, डिजाइनर जो है वो कितने फ्लश डेंसिटी पर ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। 1.5 टेस्ला पर डिजाइन कर रहा है कि 1.6 टेस्ला पर डिजाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए 1.6 टेस्ला पर डिजाइन किया हुआ है या 1.5 टेस्ला पर डिजाइन किया हुआ है, जब फ्लश डेंसिटी अधिक या कम आता है ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए फ्लश डेंसिटी अधिक आ रही है तो इस पर क्या डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर लगाया जाता है, कोर लेमिनेशन मटेरियल जो उसमें लगा होता है उस पर डिपेंड करता है, और कोर की थिकनेस पर डिपेंड करता है, और उसमें जो कॉइल पड़ती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, और कोर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। लो फ्लश डेंसिटी, मान लीजिए लो फ्लश डेंसिटी आ रही है, लो फ्लश डेंसिटी आने का रीजन हो सकता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल अधिक, क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक हो जाएगा तो भी उसकी फ्लश डेंसिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए फ्लश डेंसिटी अधिक आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, अगर फ्लश डेंसिटी अधिक आ रहा है तो ट्रांसफार्मर के लिए फ्लश डेंसिटी अगर अधिक आता है तो अच्छा नहीं है, या बहुत कम भी आता अच्छा नहीं है, तो रीजन हो सकता है कि ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है। जब हीट होगा तो उसका इंसुलेशन डैमेज कर सकता है, इफिशियंसी कम हो जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा अधिक या कम होता है तो कोर सैचुरेट होने का डर रहता है, कोर सैचुरेट हो जाती है और लोड लेता है, करंट लेता है, इसलिए जो है फ्लश डेंसिटी का बहुत मायने रखता है ट्रांसफार्मर में। फ्लश डेंसिटी ना अधिक आनी चाहिए ना कम आनी चाहिए, अगर अधिक आता है तो या कम बहुत ज़्यादा कम आता है तो कोर जो है सैचुरेट होने का डर रहता है, करंट लेने लगती है, जब करंट लेगा तो कोर हीट होगी, जब कोर हीट होगी तो उसका जो कॉइल पड़ा रहता है उसका इंसुलेशन ब्रेक होने का डर रहता है, उसकी एफिशिएंसी भी घट जाती है। आशा करता हूँ आप फ्लश डेंसिटी का महत्व समझ गए होंगे, फ्लश डेंसिटी का ट्रांसफार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फ्लश डेंसिटी अधिक या कम नहीं आना चाहिए। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट करते हैं, जैसे छोटे ट्रांसफार्मर का करते हैं या बड़े ट्रांसफार्मर करते हैं, तो उसका करंट क्या आना चाहिए, क्या लिमिट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें ये अप टू 200 केवीए तक, 200 केवीए तक जो ट्रांसफार्मर होता है उसका नो लोड करंट क्या आना चाहिए इसमें, और 200 के ऊपर जो होता है उसका करंट, नो लोड करंट क्या आना चाहिए इसका इसमें बताएंगे। जैसे दिया है नो लोड करंट अप टू 200 केवीए तक, 200 केवीए तक जो जिस ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट टेस्ट करेंगे तो सैल नॉट एक्सीड 3%, 3% से अधिक नहीं रहना चाहिए, 3% आप फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 3% से अधिक नहीं आना चाहिए 200 केवीए तक का, और जो 12.5% पर वोल्टेज पर टेस्ट करेंगे तो उसका करंट लिमिट है 6%, फुल लोड करंट का 6%, 6% से अधिक नहीं चाहिए इसमें, और जो 200 केवीए से 2500 केवीए तक बताते हैं, 200 केवीए से 2500 केवीए तक जो है उसकी करंट की लिमिट अलग है, इसमें आईएस में टॉलरेंस भी दिया रहता है, 12.5% पर जो
नो लोड करंट टेस्ट करेंगे, उस पर 30% का टॉलरेंस दिया रहता है, 30% का टॉलरेंस रहता है। ये हुआ 200 KVA तक, 200 KVA तक 3% और 6% का टॉलरेंस है। अब हम बात करते हैं 200 KVA से 2500 KVA तक, 200 KVA के ट्रांसफार्मर से जो होता है, 200 KVA से 2500 KVA तक का ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होना चाहिए वो है फुल लोड करंट का 2% और 5%। नो लोड करंट शैल नॉट एक्सीड 2% ऑफ फुल लोड करंट एंड शैल बी मेजर्ड बाई इनर्जाइजिंग द ट्रांसफार्मर एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी। इंक्रीज ऑफ 12.5% ऑफ रेटेड वोल्टेज शैल नॉट इंक्रीज द नो लोड करंट बाई 5% ऑफ फुल लोड करंट। मतलब 100% पर जो टेस्ट करेंगे, 100% वोल्टेज देंगे तो उस पर नो लोड करंट का 2% रहता है, फुल लोड करंट का 2% रहता है, और जो 12.5% पर टेस्ट करेंगे उस पर फुल लोड करंट का 5% रहता है, 5% और 2% से अधिक नहीं आना चाहिए। और फुल 12.5% पर नो लोड करंट का IS में 30% टॉलरेंस भी दिया हुआ है। तो जो आप ट्रांसफार्मर टेस्ट करते हैं इसका बेसिक जानना चाहिए, कितना जो हम टेस्ट कर रहे हैं कितना करंट आना चाहिए, ये सोचकर हमने ये वीडियो बनाया है कि आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए। आगे इस ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग टेम्परेचर आयल टेम्परेचर देता है उसके रिगार्डिंग बात करें, देता है कि बाइंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री, आयल टेम्परेचर 35 डिग्री होना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट करता है। जब ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है तो उसको टेम्परेचर के रिगार्ड को ध्यान में रखते हुए उस टेम्परेचर पर डिजाइन किया जाता है कि इसका क्या रखना चाहिए टेम्परेचर राइज। इसका टेम्परेचर राइज 35 डिग्री और 40 डिग्री है, आयल का 35 डिग्री और बाइंडिंग का 40 डिग्री रहता है। बाइंडिंग का इसलिए 40 डिग्री रखा गया है तो बाइंडिंग हीट होगा, बाइंडिंग से आयल हीट होगा तो इसलिए आयल का टेम्परेचर कम रहता है। अगर इससे अधिक जब टेम्परेचर राइज करेंगे या इसको जब ट्रांसफार्मर रनिंग पर चलता है तो इससे अधिक टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर इससे अधिक नहीं आना चाहिए। अगर इससे अधिक आएगा तो ट्रांसफार्मर हीट होगा, और जब हीट होगा तो पीछे बता चुका हूँ अभी उसका इंसुलेशन ब्रेक होने लगता है कॉइल का और इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इस तरह हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ बताए हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो मान लीजिए ट्रांसफार्मर टेस्ट कर रहे हैं तो कितना करंट आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, इसको हम बताने की कोशिश किए। आगे हम और भी बेसिक चीज़ बताने के बाद फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। तब तक आप खुश रहिए, धन्यवाद।